ओम शांति सत श्री अकाल। मैं अमरजीत कौर दुआ आप जी के सामने फिर इस कड़ी विच एक ओंकार एक परम पिता एक परमात्मा दी अपा इस सीरीज विच खोज कर रहे हैं, उसनों समझ रहे हैं ते उस नाल जोड़न दी आपा सत्संग कर रहे हैं। जपजी साहब की व्याख्या चल रही है, विचार चल रही है कि ने चिरा तो शुरू तो ही कड़ी फिक्स कर रही है, अपना टाइम कढ़ीए अकाल पुरख के नाल मिलन दा सिमरन करन दा। इस तरह 20 मिनट चट निकल जाएगा ते वो 20 मिनट जरा असी रल के कर रहे हैं वो साडे जिंदगी दे सब तो कीमती 20 मिनट होएगा, क्योंकि असी अकाल पुरख दी बाणी नूं समझ रहे हैं ते अकाल पुरख नूं मन विच मिल के उस दी बाणी नूं समझ रहे हैं ते असी उसदे कहना उसदे हुक्म नूं समझ के अपने आप नूं बदल रहे हैं, अपने जिंदगी दे मकसद नूं समझ रहे हैं। ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सैस जिसनों असं कहने सफलता जिसनों असं कहने उसनों समझ रहे हैं। जरा दुनियावी तौर पर सक्सैस है वो सक्सैस नहीं है गुरु जी के ज्ञान मुताबिक। तो गुरु जी ने पिछले एपीसोड में असी गल की 27 पौड़ी में मतलब कि आई पंथ ही जड़ा कि सब तो वड्डी जोगियां दा पंथ है। जोगियां दे उत्ते गुरु जी गल कंपेयर कर रहे हैं ज्ञान नूं कि इस तरह नहीं कि घर छड़ के टुर जाना है तो अपने आप नूं इस तरह गरीबी विच ते डंडा फड़ना है ते कटोरी फड़ना है मंगता वर्गा वो नहीं बनना है। मतलब आत्मक जिहड़ी गल है वह अंदर है, वह मन जितन की गल है। उस पौड़ी दे विच मन जीते जग जीत की भी गल हुई सी ते हुण आपां अगों जाना है इस पौड़ी दे विच। इत्थे भी गुरु जी 29th पौड़ी है भुगत ज्ञान, मतलब फिर गुरु जी गल करेंगे उसी जोगिया ना पर होर अगे आप गहराई में समझांगे कि गुरु जी की कह रहे हैं। आओ रल के इस पौड़ी नू पहला असी उचारांगे फिर उसनों समझांगे। भुगत ज्ञान दया भंडारण कटकट वाजे नाथ आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध। ते इस दी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन आप सुनांगे। ओ योगी इफ डिवाइन नॉलेज इज योर फूड बाउंटी एंड मर्सी द सर्वर ऑफ दैट डिविनिटी फॉर इन एवरी बीइंग देयर इज दैट लाइफ फोर्स वाइब्रेटिंग एंड इन पार्टेकिंग दिस फूड इफ यू हियर द डिवाइन म्यूजिक दैट इज स्ट्रक बाय ही who knows the world himself, the Lord Almighty, then will the illusions within be broken, and so will the distance that separates you from union with him. All other disciplines and abstinences from the world of the yogis are useless. They but merely add onto one's ego's greatness. Phir gal kar rahe hain Guruji, pugat gyan daya pandaran. मतलब कि जड़ा साडा खाना है डिवाइन नॉलेज खाना है, जड़ा साडा भोजन है वो की है डिवाइन खाना, जड़ा की है डिवाइन ज्ञान दया भंडारण। तो दया साडा जड़ा असी भंडार बना रखने जे असी गुरु की सेवा वास्ते असी भंडार बना रखने तो भंडार चलाने वो दया दे नाल भरिया होना चाहिए। मतलब इत्थे फिर गुरु जी कहते हैं जरा कि जोगियां दे कंटिन्यूएशन ही है, क्योंकि जोगियां जो कर रहे ने वो फिर अपने आप नूं समझदे वो सही कर रहे हैं। तो कटकट वाजे ना तो बाबा इत्थे कहते हैं खाना दे विच भी खाण वेले उस एक दी कटकट वाजे ना, तो उस एक दी कटकट विच उस एक दी याद करनी है, उस एक दी सिमरन करनी है, क्योंकि हर एक चीज़ दे विच उस एक आया। तो जे असी एक एक खाना नू खावांगे तो जो मिले असी खावांगे उसकी याद विच फिर उस कटकट वाजे नाद उसकी म्यूजिक उसकी नाद उसकी वाह साड़े विच पैगी तो असी उसनू फिर याद करना सौखा हो जाएगा। जे आपां डिवाइन इंटलैक्ट दे नाल डिवाइन नॉलेज दे नाल संतुष्टता दे नाल दया दे नाल खाना नूं भंडारण नूं समझांगे ते खावांगे ओ फिर वो साड़ी अवस्था बहुत उच्ची हो जाएगी। आप नाथ
आप नाथ, मतलब ओ तू ही सब तो वड्डा है और तेरे तो वड्डा कोई है ही नहीं, नाथ ही सब, मतलब तू ही नाथ ही सब जाकी, असी सारे तेरे नाल जुड़े हुए हाँ, ते तू नाथ है ते असी सारे तेरे नाल जुड़े जुड़े हुए हाँ, असी तेरे नाल स्टिच्ड हाँ, जिवें नाथी सब जाकी, रिद सिद्ध अवरा साध, ते रिद्धि सिद्धि ए साध नू पसंद नहीं, मतलब कि तेरे नाल जुड़ना सच्ची साध नू ओ पसंद है। ए हुन पंक्ति सच्ची साध दी गल करे जो जोगियां तो ऑपोजिट है, क्यों? क्योंकि साध जड़ा है वो रब दे नाल जुड़िया है, ते रब दे हर एक चीज़ विच कटकट विच उसनू ही याद करने करते ने, कटकट वाजी नाद उसकी नाद सुनाई दिंदी, उसकी सिफत सुनाई दिंदी, हर एक चीज़ दे विच कण कण दे विच खाना दे विच उसकी याद आती है साध नू, ते करिश्मे वगैरह ये सिद्ध सिद्ध ये विच नहीं जाती, ते क्योंकि वो जानते हैं कि ओयो नाथ है, ते असी बस उसके नाल जोड़ना है। ते ये पौड़ी फिर ऑपोजिट जोगियां तो जो ऑपोजिट चल रही है कि असी साध नू समझिए ते साध बनिए उस दे राह ते निकल पड़िए, क्योंकि गुरु जी इतने समझते हैं जरा असी सच्ची साध अंदर दी खोज है, बाहर दी गल नहीं, बाहर जो मर्जी तुसी पहनो, बाहर जो मर्जी तुसी दिखाई देंदे हो, बाहर जो मर्जी तुहाडी अवस्था है, बाहर जो मर्जी तुहाडा सफलता मिले है, भावें तुसी आई पंथ विच हो सब तो उच्ची योगियां दा पंथ विच हो, या बिजनेस फील्ड विच सब तो सक्सैसफुल हो, अवार्ड्स हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेजिडेंट हो, जो भी बाहरली तौर तुहाडी सक्सैस है, वो गुरु की दरगाह तो अलग है। गुरु की दरगाह विच नाम साध उसके नाल जुड़ना, उसनों निम्रता लियाने, अपने अंदर दया संतोख यहोजे गुण लियाने, उसते ज्ञान ध्यान उसनों समझने सुने मने पंच विच आना है, उसकी दरगाह के पंच विच आना है, वो गल करते ने। संजोग विजोग दुहे कार चलावे लिखे आवे पाग, आदेस तिसे आदेस आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, फॉर इट इज ओनली बाय हिज विल दैट यूनियन एंड सेपरेशन हैपन्स, द हैप्पीनेस एंड सैडनेस रिसीव्ड बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप्स फॉर्म्ड आर बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रीवियस अकाउंट्स ऑन रिकॉर्ड, एंड ओनली रियलाइजिंग दिस द वर्ल्ड्स ऑफ इल्यूशंस विल बी ब्रोकन। मतलब संजोग विजोग की जो गल हो रही है, संजोग मतलब मिलना, विजोग मतलब विछुड़ना, यूनियन सेपरेशन, ये सारा जड़ा हो रहा है उस दे नाल दे आपसी रिश्ते दे नाल भी संजोग विजोग दे कार चल दोए कार चलावे ओयो ये दो कार नू चला रहे, लिखे आवे भाग ते ओ लिखिया जांदा फिर तुहाडे भाग दे विच डेस्टिनी दे विच अनफोल्ड होंदा है, मतलब कि ए मैनीफेस्टेशन ए अकाउंट्स जो लिखा जाता है असी जो इस समझने फिर आप उस माया दी कूड़ तो उठ सकने कि ये सारे उस मतलब असी विछड़े हैं संजोग विजोग देख भी ये भी सारे ओयो चला रहे हैं, तो जरा लिखे असी वो कर रहे हैं लिखे आवे भाग, तो जिस असी अपने भाग विच अच्छा लिखना चाहते हाँ फिर असी उस दे नाल संजोग क्यों ना करिए, फिर असी उस दे नाल क्यों ना मिलिए, क्यों ना उसनू समझिए। ते इत्थे फिर आदेश तिसे आदेश ये पंक्ति दूजी वारी है जपजी साहब विच, ये पंक्ति भी दी भी बहुत अहमियत है क्योंकि ये उस एक ओंकार दी गहराई दी फिर याद दिलाउंदी है जो तीन वारी गुरु जी उचारणगे 28th पौड़ी दे विच, ते इस पौड़ी 29th दे विच, ते अगली पौड़ी 30th दे विच भी तीन पौड़ी विच ये आउंदी है। आदेश तिसे आदेश मतलब कि असी उस दी आदेश मनना पेगा, मनना चाहिए है। आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, इत्थे अकाल पुरख की डिस्क्रिप्शन होंदी है आद ओ शुरू तो, अनिल अनिल इत्थे मतलब लाइट प्योर लाइट शुद्ध लाइट, अनाद
शुरू तो भी पहला जरा अनाद ते अनाहत अंत तकन जिस दी अंत ही ना हो ते जुगा जुगा तो ओहियो एक ही रहिंदा है। उसकी ए डिस्क्रिप्शन है, उसकी वडियाई है, उस एक ओंकार दी फिर इतने डिस्क्रिप्शन है। तो अनील शब्द यूज़ किया है, फिर असी समझ सकते असी क्यों उसनों ज्योति बिंदु चमकती सितारा कहने हैं। तो इंग्लिश का ये सैकेंड हाफ फिर पढ़ांगे। एंड सो टू ब्रेक दीज वॉल्स ऑफ इल्यूशंस टू बाव वाव ओबे एंड रिमेंबर ओनली दैट वन ग्रेट वन हु इज द बेस द सीड द बिगनिंग ऑफ ऑल द वन ग्रेट वन दैट इज द ट्रू फॉर्म एंड हैज नो एंड एंड इज फॉर एवर इंडिस्ट्रक्टेबल एंड स्टेज द सेम थ्रू आउट द एजेस एंड ऑल। उस एक की वडियाई कि वह स्थिर सदा लई कदी नहीं बदलता, शुद्ध संपूर्ण पवित्र उस 100% सब कुछ है ते कदी नहीं बदलता। ते उस दी असी वडियाई कर रहे हैं ते उस दी आदेश क्यों ना सुनिए। असी एक दूजे दी आज्ञा ओबीडियंस करने हैं, आदेश सुनने हैं, पर उसी क्यों नहीं जो सदा ले है। ते उस दी आदेश जी आप सुनना चाहवांगे ते जावांगे कित्थे सुनने वास्ते। मैनू ये ख्याल आया सी जदों मैं परमार्थ दे राह ते शुरू किया कि जे मैं सच्चाई जानना चाहवांगी ते उसी रब दी गल नू समझना चाहवांगी ते मैनू कित्थे जाना पएगा। अपने गुरबाणी तो ही खोजना पएगा, शुरुआत इत्थों ही हुंदी है। असी सारे सारे अपने धर्म तो ही शुरू करने हैं, पर धर्म विच जदों असी अगे चले जाने तो गहराई विच समझ ना चाहते हैं तो वह फिर जदों असी उस हद तक पहुँच जाने जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सिफत करते हैं, धर्म स्थाना ते जाते हैं, असी उस हद तक पहुँच जाने कि असी ब्रह्म ज्ञानी हाँ या साध की संगत चाहते हैं, जिहड़े सच्चे सुच्चे लोग प्यारे रब की जिहड़े प्यारे लोग ने जिहड़े रब उसकी सिफत कर रहे ने जिहड़े उसकी वडियाई नूं जप रहे ने असी उन्हां नाल मिलना चाहवांगे। फिर जदे उत्थे असी पहुँच जाने कि असी ब्रह्म ज्ञानियां दी संगत साध दी संगत चाहुंदे आ, फिर साड़ी विराग इन्नी हो जाती है कि असी मिली साड़ी किस्मत फिर सानू मिलाउंदी है, साड़ी डेस्टिनी फिर सानू मिलाउंदी है। वह लिखा ही लिखिया है तां हुंदी है। तो फिर उस गुरु की कृपा दे नाल असी इहो जिहे संस्था तक पहुँच जाने जिथे फिर अकाल पुरख खुद सानू मिलते हैं। तो असी फिर उस एक दे नाल लिव जोड़न दा तरीका उसनों समझना, अपने आप को समझना किवें मैं मन दे विच ही अकाल पुरख नूं मिल सकदी आ, किवें वह भी मन है तो मैं भी मनना, तो असी दोवें एक दूजे दे नाल मैं ज्योति बिंदु वह ज्योति बिंदु असी आपस विच मिल के तो फिर उस दी किरने दे नाल मेरी गंदगी निकलती है, मेरे मैल धुपदे वो धुप्पै नावे के रंग बने मत पापा के संग। साडे मित विच मत विच जरा पापा नाल ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੇਗਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਉਸਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਅਨੀਲ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ इस मकसद दुनिया विच आन दा सफल करने हैं जो कि असी घड़ी घड़ी भुल जाने हैं। संजोग विजोग इत्थे ये भी संजोग विजोग है, कभी असी अकाल पुरख नाल मिलना है, कभी उस तो विछड़ जाने हैं। कि गल हुई सी पिछले लाइन विच गुरु जी ने आख्या कि सारे नाल प्यार रखना है, फ्रेंडशिप विद ऑल इज़ द सक्सेस। ये असी भुलिए ना, क्योंकि आद अनिल आप नाथ नाथी सब जाके रिद सिद अवरा साध। असी सारे साध जो चाहुंदे आ असी ओ साध वर्गा असी भी बने आ, उस नाथ ने नाल असी भी नाथी जुड़िए ते उस दे नाल फिर संजोग विजोग नूं समझांगे ते संजोग ही करांगे। आपां उस दे नाल फिर असी विजोग विच नहीं जावांगे, आपां उस नूं
समझांगे, उस दे नाल लिव जोड़न दा साडे अंदर शक्ति आएगी, क्योंकि असी फिर इस जपजी साहब दी पौड़ी ते हर एक पौड़िया नूं पढ़ांगे, ते फिर उसकी गल सानूं समझ आएगी, ते जड़े असी नहीं पढ़ सकते ते इस गल नूं जपजी साहब एक एक वचन नूं नहीं समझ सकते, कोई गल नहीं, क्योंकि असी सारे आत्मा, ते असी आत्मा सिर्फ मन राही उस अकाल पुरख नूं मिलने, जो पढ़े लिखे ना भी होन, अपाहिज हो, तां भी अकाल पुरख नूं मिल सकता है। ये अगों गुरबाणी विच कई जगह लिखिया है। इस वास्ते जे तुहानू लगे कि गुरबाणी दे एक वचन काफ़ी मुश्किल है, कोई गल नहीं, नचोड़ नूं पकड़ लो। नचोड़ की हैगा? मैं आत्मा हैगा ते तू परमात्मा मेरा पिता है, ते मैं ये कदी ना भुला कि मैं तेरे तो आई हाँ, कि मैं परम धाम तो इतने खेड खेडन आया इस शरीर विच, ते इस जन्म विच ये शरीर है। पिछले जन्मां विच किन्ने असी शरीर धारण किते, मर्द बने, इस्त्री बने, कि असी रोल प्ले किता है, ते किन्ने सुंदर सुंदर रोल प्ले किते होने, क्योंकि हर एक जन्म विच असी गिर रहे हाँ। ये लास्ट जन्म है, ते जे ये लास्ट जन्म है, ते फिर लास्ट जन्म विच फिर भी असी काफ़ी ठीक हाँ, ते वध्या है ना, इहदा मतलब पिछले जन्म इस तो वध्या सीगा, ते मतलब अपने आप नूं फिर शुक्र करीदा कि इस अखीला जन्म विच भी मैनू इन्नी सुरत आई कि मैं अकाल पुरख नाल जुड़ा, ते शुक्र है पिछले जन्म मैं ठीक उस इस तो वध्या ही सी, क्योंकि असी आत्मा जन्म लेंदिया लेंदिया गिर रहे हाँ। ते अगले जन्म जिहड़ी सतयुगी जन्म है, वह तो सब तो श्रेष्ठ, वह तो परम धाम असी जा के निवास करके उस अकाल पुरख ते रह के फिर अगली सृष्टि चक्र दे विच, अगले कल्प दे विच फिर शुरू करांगे खेड खेडन देवी देवता बन के। ते हुण अकाल पुरख अपने परम धाम जाण तो पहला, उत्थे निर्वाण दा मुक्ति होण तो पहला, इस शरीर नूं छड्डन तो पहला, उस दे नाल फिर संजोग मन विच मिलानी पैगी, ताकि असी अपने जिंदगी दा मकसद समझांगे, ते असी फिर इस कमाई जड़ी करनी है हुन करनी है। इस वास्ते अपने मौत तो डरना है, क्योंकि उस डर मतलब शरीर छड्डन दी डर नहीं, पर उस दी ज्ञान नूं छड्डन दी डर, कि मैनू ज्ञान मिल गई है, मैनू अकाल पुरख समझ आ रही है, ते मैं योग कर रही हाँ, ते मैं अकाल पुरख नूं मिल रही हाँ, जो कह रहे मैं कर रही हाँ। हुण मसा शुरू कीता नवे सिरों में जाके, फिर नई नवी सिरों करना, इत्थे ही कंटिन्यू करना, क्योंकि नहीं तो किन्ने साल फिर वेस्ट होएगा अगले जन्म विच मेरे परमारत रात ते आउण तकन। ते आओ फिर आपां कड़ी नूं सीमा रखदे हुए आप जी दे नाल फिर आपां मिलांगे अगली एपीसोड विच, एक ओंकार एक परम पिता एक परमात्मा दे। ते इस 29th पौड़ी नूं आपां कंप्लीट कीता है जोगियां दे बारे, ते उस आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस उसनू समझिए, जो आद तो अनील अनाद अनाहत है उसनू असी समझ लिया, ते उसनू असी पा रहे हैं। शुक्र है, शुक्र है, सत श्री अकाल, ओम शांति।